खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के, जहां पर एक घोटाला सामने आया है। ये घोटाला आरटीआई विभाग से सामने आया है। मामला गाजियाबाद का है, जहां पर ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बना डाली जिस पर लाइसेंस की फीस ली जा रही थी। इस बात का खुलासा परिवहन कमिश्नर ने किया और इस बात की जानकारी गाजियाबाद आरटीओ को भी दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस की फर्जी वेबसाइट सामने आई है, क्या ये पूरा प्रकरण कैसे समझ में आया? देखिए, पूरा प्रकरण ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस लखनऊ से एक पत्र हमें मिला है 9 दिसंबर का, जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा भेजा गया है, जिसमें हमारे संज्ञान में लाया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फर्जी वेबसाइट जो है e-drivinglicense.com करके बनाई गई है, जिस पे आवेदक जो है भ्रमवश उस वेबसाइट पे अपना फीस जमा कर दे रहे हैं, जबकि परिवहन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो parivahan.gov.in है। चाहे वो लाइसेंस से संबंधित कार्य हो या किसी व्हीकल से रिलेटेड काम हो, दोनों के लिए केवल एक ही वेबसाइट है, parivahan.gov.in। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए कि मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया के माध्यम से और पंपलेट के माध्यम से इसको जागरूकता फैलाई जाए कि लोग गलत वेबसाइट पे आवेदन न करें। सर, कितने लोग अभी तक ठगे जा चुके हैं, कुछ ऐसा ही पता चला? कल मेरे पास एक नाम उनका राकेश शर्मा करके आए थे, जो मेरे सामने कि सर मेरा लाइसेंस बनना है, ये मैं आवेदन करके आया हूँ। तो मैं प्रथम दृष्टया ही मुझे लग गया कि ये हमारी वेबसाइट पे नहीं जमा है, तो कल एक संज्ञान में हमारे आया है। सर, क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की भी प्रक्रिया की जा रही है, जिन्होंने वेबसाइट के जरिए? बिल्कुल, इसके लिए हमारे एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अपने पत्र में ही, जो NIC के डायरेक्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं जयदीप सोम साहब, उनको भी प्रतिलिपि किया है, और श्री पीयूष श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश NIC के डायरेक्टर हैं, उनको भी, कि साइबर क्राइम के तहत जो सुसंगत धाराओं में इस फर्जी वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।